2023 में चीन ने दुनिया भर के निवेशकों को निराश कर दिया है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म गोल्डमैन सैच्स ने चीन में कोरोना के बाद अपने निवेश करने के डिसीजन को 2023 का सबसे खराब डिसीजन माना है। दरअसल इस ग्लोबल फर्म ने कोरोना के बाद खुल रहे चीन के बाजार को देखते हुए निवेश किया था, लेकिन अब साल के अंत तक आते आते एक्सपर्ट्स को अपने डिसीजन पर निराशा हो रही है। बता दें कि CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डमैन ग्रुप के ग्लोबल करेंसी रेटिंग और इमर्जिंग मार्केट के स्ट्रेटेजी के हेड का कहना है कि 2023 के उनके सबसे खराब निर्णयों में से एक महामारी के बाद चीन के फिर से खुलने पर दाव लगाना था। बता दें कि इस साल की शुरुआत में गोल्डमैन और वॉल स्ट्रीट बैंक ने चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की संभावना जताई थी और चीनी शेयर बाजार में 15% की बढ़ोतरी की भविष्यवाणी भी की थी। लेकिन अब जैसे जैसे साल का अंत करीब आ रहा है, इन सभी एक्सपर्ट्स को अपने डिसीजंस पर निराशा होनी शुरू हो रही है। चलिए अब एक नजर एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस पर भी डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि साल के शुरुआत में एक्सपर्ट्स का मानना था कि चीन में होने वाली बढ़ोतरी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ी स्थिरता आएगी, जिससे उभरते बाजारों को भी मदद मिलेगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। चीन के शेयर बाजार में 15% से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि कई उभरते बाजारों का प्रदर्शन चीन से बेहतर रहा। वहीं अगर उभरते देशों की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो इमर्जिंग मार्केट्स के शेयरों में इस साल 16% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अमेरिका की कैपिटल मार्केट कंपनी MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में केवल 4.4% का इजाफा हुआ, जिसमें चीनी शेयर भी शामिल थे, जिनका वेटेज टोटल इंडेक्स का लगभग 30% था। यानी साल चीन से बेहतर परफॉर्मेंस इमर्जिंग मार्केट्स ने दी है। बात अगर भारत की करें तो इस साल सेंसेक्स ने जहां 16.62% का रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी ने करीब 18% का रिटर्न दिया है। आपकी चीन और भारत के शेयर बाजार के परफॉर्मेंस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें